नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गोराया और फिलौर के मध्य एक सड़क हादसे में बारिश के पानी की वजह से कार बेकाबू होकर रेलिंग तोड़कर खेतों में पलटी, दो व्यक्ति हुए घायल। जालंधर के गांव गन्ना में देर रात चली तेज आंधी के कारण चल रहे जागरण में माता रानी का भवन गिरा, 7 लोग हुए घायल। जालंधर में ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने की बसों की चेकिंग, कानूनों की उल्लंघना करने वालों के किए चालान। और अब हलचल विस्तार से। गोराया और फिलौर के बीच हुए सड़क हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जबकि उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जालंधर से लुधियाना जा रही सफ़ेद रंग की क्रेटा कार जब फिलौर और गोराया के मध्य गांव खेरा के नज़दीक पहुंची, तो बारिश का पानी सड़क पर खड़ा होने के कारण कार बेकाबू होकर हाईवे नंबर 44 की ग्रिल और रेलिंग को तोड़कर सर्विस रोड पर खेतों में जा गिरी, जिस कारण गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु फिलौर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में देर रात चली आंधी से जहां तापमान में गिरावट देखने को मिली, वहीं आंधी के कारण घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में आंधी से बड़ा पेड़ गिरने से 7 कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहीं अब ताजा मामला गन्ना गांव से सामने आया है, जहां देर रात जागरण चल रहा था। इस दौरान तेज आंधी से माता रानी का सारा भवन गिर गया। हादसे में 6 से 7 लोग जख्मी हो गए, जिसमें कमेटी मेंबर भी शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे के दौरान लोगों में हड़कंप मच गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर बसों की चेकिंग करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि बिना टैक्स से दूसरे राज्यों में बसें चलती हैं, जिनमें यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर आदि शामिल हैं, जिसके चलते उनकी ओर से ये चेकिंग की गई है। जिन बसों ने टैक्स नहीं भरे या कोई और भी वायलेशन की थी, और बसों की सीट्स को तो जरूर बुक किया हुआ है, पर इसकी जानकारी RTA ऑफिस में नहीं दी है, उन पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसकी जानकारी पहले RTA ऑफिस देनी पड़ती है। एक बस में 50 से 55 सवारियों की परमिशन होती है, लेकिन कुछ बस वाले 100-100 सवारियां चढ़ा लेते हैं। ऐसी सभी बसों के चालान किए गए हैं और आगे भी उनकी टीम इसी तरह से चेकिंग करती रहेगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो, कई जगह पे शिकायतें आउंदियां कि बिना टैक्स तो जिहड़ियां दूजियां स्टेटां नूं चलदियां, यूपी नूं, बिहार नूं जां जम्मू कश्मीर नूं बसां चलदियां, ते अज जिहड़ियां जिहड़ियां बसां दे जां टैक्स नहीं सन भरे जां होर भी कोई वायलेशन कीती, जिवें इह जिहड़ियां चलदियां दूजियां स्टेटां नूं सीटां इहनां ने बुक जरूर कीतियां, पर इहदी जानकारी ना ते साडे RTA दफ्तर दित्ती आ। इह लिस्ट इहनां नूं पहलां जारी करनी पैंदी आ ते RTA दफ्तर नूं जानकारी देनी पैंदी आ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਓਵਰਲੋਡਡ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਰੀਆਂ 50, 55 ਜਾਂ 60 ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਓਵਰਲੋਡਡ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RTA ਸਾਡੇ GM ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ 100 ਸਵਾਰੀ ਚੜੂਗੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 50-55 ਪਾਸ ਆ, ਅਤੇ ਡਬਲ ਜੇ ਵੇਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਾਇਰ 'ਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 54,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਰ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ
वह आपके टैक्स तार के सारा कुछ प्रॉपर सही करके फिर बसा। अचानक बारिश पड़ने से जहां मौसम ने बदलाव लिया, वहीं अब सर्दी का आगमन भी दिखाई दे रहा है। वहीं बीती देर से पंजाब के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई तो कई जगह पर बूंदाबांदी भी हुई। वहीं दूसरी ओर मंडियों में धान की फसल की बोरियों के अंबार लगे हुए हैं जो खुले आसमान में भीग रहे हैं। मंडियों में लिफ्टिंग ना होने के कारण लाखों बोरियां बारिश में पड़ी हैं। भले ही सरकार मंडियों में हर तरह के पुख्ता प्रबंध होने की बात कर रही है, लेकिन मंडियों में बारिश के कारण किसानों और लेबर की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। नुकसान बहुत है भाई जी, नुकसान। पानी खड़ गया, झोने पानी खड़ गया ਤੇ ਹਜੇ ਬਸ ਸੂਰ ਦੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੂਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਅੱਧ ਪੈਣਾ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੋਰੀ ਬਹੁਤ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਬੋਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਝੋਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਪਿਆ, ਢੇਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪਵੇ ਮੀਂਹ, ਇਹਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਅੱਧ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਝੋਨੇ ਜੀ ਆਏ ਪਏ ਆ ਜੋ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਟਾ ਪਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਗੱਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਜੋ ਧਾਂਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਧਾਂਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। नवरात्रों के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में शुरू हुई नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के पहले दिन की शुरुआत भजन गायक मुनीश राजा एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद उन्होंने मां की मधुर भेंटों को गाकर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इससे पहले सुखविंदर हैप्पी एंड पार्टी जय माँ गाजियाबाद जालंधर यूनिट के बच्चे सरदार इंद्रजीत सिंह राही एंड पार्टी और गीता मंदिर से सेंट्रल उनकी बहनों ने भी नवरात्रों के भजनों से पूरे माहौल को भक्तिमय बनाया। तो वहीं नवरात्रों में मां भक्तों की आस्था को देखते हुए श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा आए हुए भक्तों के लिए विशेषकर फल व सील का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, फाउंडर सदस्य सुदर्शन ज्योति, मंच संचालक बलदेव आनंद ने भजन गायकों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल, अरुण वर्मा, गौरव शर्मा, राजू शर्मा, दमन मेहता, प्रदीप अरोड़ा, रमन शर्मा, साधुराम कालिया, संदीप लकी, दविंदर साहनी, अजय लाली सहित असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Oh,
बरनाला के शहर तपा मंडी में पंजाब अग्रवाल सम्मेलन की स्थानीय ब्रांच द्वारा श्री महादेव कांवड़ संघ के पूर्ण सहयोग से अग्रवाल समाज के निर्माता महाराजा अग्रसेन जी की 5147वीं पुण्यतिथि बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाई गई। शोभा यात्रा शुरू करने से पहले अग्रवाल सभा की यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष मोहित सिंगला ने परिवार सहित पूजन करवाया और ज्योति प्रचंड की, जबकि ध्वजा फहराने की रस्म श्री अग्रवाल सम्मेलन और श्री महादेव कांवड़ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोचन बांसल ने निभाई। शोभा यात्रा में अग्रवाल वंश के इतिहास को दर्शाती हुई अग्रवालों के 18 गोत्रों के संबंध में एक सुंदर झांकी भी दिखाई गई। शोभा यात्रा के मार्ग में स्वागती गेट लगाए गए और श्री राम लीला दशहरा कमेटी द्वारा अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष भूषण घुड़ैला और उसकी टीम को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सम्मेलन के सचिव सुभाष कांसल, प्रेम भारती, रमेश सिंगला, प्रिंस गोयल, अशोक गोयल, राकेश सिंगला, दीपू भैनी, अश्विनी कुमार, रिंकू मोड, सतपाल गर्ग सहित असंख्य लोग उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर छावनी में नवरात्रों के उपलक्ष्य में 9 शक्तिपीठों से पवित्र ज्योति लाई गई, जिन्हें मंदिर श्री बजरंग भवन में स्थापित करने से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 9 पवित्र ज्योति का पूरे कैंट में श्रद्धा एवं उत्साह सहित जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए माता के जयकारों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर मंदिर श्री बजरंग भवन के प्रधान कुलभूषण अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह पप्पू, ओम प्रकाश, दीपक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, लक्ष्य सोडी, रणदीप, रितिका, गीतांजलि, मंजू आदि उपस्थित रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। अज एक भव्य शोभा यात्रा जो मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी वालों सारे ही छावनी के भ्रमण करती हुई 9 पवित्र ज्योत जो अलग अलग स्थान तो महाराणी के दरबार तो आके जलंधर कैंट की रौनक में बढ़ाया, जिसे सारे छावनी निवासियों ने महाराणी का आशीर्वाद प्राप्त किया और इदा ही महाराणी इदा ही आशीर्वाद छावनी से बना के रखे। और मैं आशा करता कि जिन्हें भी छावनी निवासी है वो श्रद्धा पूर्वक शोभा यात्रा च सम्मिलित हुए, जिद हरविंदर सिंह जी पप्पू, पवन कुमार अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, राकेश अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी, गुरदत्त काला जी और रोबिन करोजिया जी, हिमांशु भट जी, सारी मंदिर श्री बजरंग भवन कमेटी की टीम ने यह उपराला जरा है बड़ा ही वजिया हर्षोल्लास के नाम मनाया। और इस उपलक्ष्य के 9 दिन 15 तरीक को लैके 23 तरीक तक जी महारानी दियाँ चौंकियाँ राती 8 बजे तो लैके राती 10 बजे तक मंदिर श्री बजरंग भवन 19 मूलराज रोड जलंधर कैंट के 9 पवित्र जोतों 1 साल बाद रानी दर्शन दे रही है। मैं सारी छावनी निवासियों जलंधर वासियों को अपील करता कि महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करने लिए जलंधर कैंट के बुलाइए। जय माता दी। जो कि हर साल की तरह इस साल भी बजरंग भवन मंदिर दे जो कि ज्योति साडा छोटा भरा पूछी तीजा भी है जो कि इन्हें इन्नी कृपा महाराणी चिंतापुर्णी ने 9 देवियों ने की है जो कि सानू दूसरी बार कि तीसरी बारी फिर ज्योतों के दर्शन जो कि पूरे जलंधर पूरे गेट आस पास जो साढ़े पिंड है उसके सारे इन्हें दर्शन कराए हैं और सारे लोग जो कि घरों मनों दिलों लगे है बांके प्यारी मंडल वाले साढ़े विकी प्रधान जी उन्होंने सारी टीम कमल चौहान प्रधान रामा मंदिर मैं सेवादार रामा मंदिर का भी इन्होंने भी खुशी का भी मैं खुशी की बहुत बहुत ये धन्यवाद करता कि जरा कि देखो हर साल इदा ही महामाई कृपा रखे साढ़े 21 जागरण होए 51 करने हैं इदा ही 51 चौंकियाँ ये बिरंग भवन के अंदर लगाता रहे सारी यदि टीम साढ़े डब्बू भाजी मैं तो कहना सारी टीम मैं इन्हों जो दादा जी उन्होंने प्रगीरत राम
ਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਕੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ SHO ਕੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ੀਤਲ ਬੀਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀਤਲਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੌਵਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦੇ ਨੌਵਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਸੇ ਮਾਂ ਜੋਤੋ ਵੀ ਨੌ ਜੋਤੇ लेने के लिए हिमाचल प्रदेश में गए, वहाँ से जोते लेकर जलंधर छोड़ी में आए और पूरे बाजार में घूमकर लोगों ने जगह जगह आरती की है और प्रसाद बांटा गया है। उसके बाद हमारे प्रधान गणपति सेवा सोसाइटी के रविंद्र सिंह पप्पू, उन्होंने अपने निवास स्थान पर जोतों का प्रचार किया, यहाँ रोका, उनकी मान किया और उनके लिए प्रसाद बांटा गया। बाद में जहाज बजरंग भवन के लिए रवाना हुए। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले दिन की शुरुआत भजन गायक राजकुमार सहगल एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मंदिर के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने व उनकी टीम ने गायक राजकुमार सहगल को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उप प्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमनपुरी, अश्वनी चौहान, नर्गिस बत्रा, सोनू कुलवंत राय पुरी, सुखदेव कुमार सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ
दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर तौर और हाल चाल चैनल तो कवरिंग करते हैं और उस तो बाद सारा कार्यक्रम अगले दिन टीवी दे चलता है और अभी सब घर बैठे देख सकते हैं जिन्हें लोग बैठे हैं हाजिर पा रहे हैं। नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के दूसरे दिन की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इस दूसरे दिन की नाइट में कलाकारों ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के अवतरण दिवस का सुंदर मंचन कर सबको भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर प्रसिद्ध उद्योगपति सुशील शुक्ला ने विशेष रूप से उपस्थित होकर रिबन काटकर रामलीला की दूसरी नाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम, संरक्षक राम सिंह, सीनियर चेयरमैन दीपक सूरी, चेयरमैन वीपी गुप्ता, उप प्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, मैनेजर राजेंद्र तिवारी, विनोद कुमार, विक्रमजीत वर्मा, सूर्य मिश्रा, हरिराम प्रजापति, प्रताप नारायण यादव, रामू प्रसाद, सियाराम सूर्यनाथ यादव, अरुण पाल, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, विनोद पटेल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ये इसकी बहुत सारी कवरेज हलचल चैनल पर जाती रहती है और इसके लिए हमारे संदीप भाई बहुत बहुत इसके लिए उत्तरदायी हैं। इन्हीं के सहयोग से ये खबरें दैनिक सवेरा अखबार में और हलचल चैनल पर दिन प्रतिदिन आती रहेगी और आती है। तो आज इस मंच का उद्घाटन हमारे इस समिति के उप प्रधान सुशील शुक्ला जी करेंगे, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ कहूंगा कि सुशील शुक्ला जी को साथ में लेके आए। अरे पवन मोरे नवयुवक रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशन चंद के खुले मैदान में रामलीला का आयोजन 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस रामलीला के दूसरे दिन की शुरुआत श्री राम जी के जयकारों के साथ हुई। रामलीला की दूसरी नाइट श्रवण कुमार के दृश्य के साथ शुरू हुई, जिसमें श्रवण कुमार द्वारा अपने माता पिता की सेवा करने का दृश्य बाखूबी पेश किया गया। इसके अलावा श्रवण कुमार द्वारा अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाकर जाने व यात्रा के दौरान सरयू नदी से पानी भरते समय महाराज दशरथ द्वारा चलाए गए तीर से श्रवण कुमार की मौत हो जाने का दृश्य कलाकारों द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया, जिससे पंडाल में बैठे दर्शक भावुक हो गए। इस मौके पर मां अन्नपूर्णा मंदिर से डॉक्टर अनिल ज्योति, विपिन उपल, राजेश शर्मा, प्रवीण महाजन, वीके सोनी, राजेश नोना, अरुण कपूर, हतेंद्र कपूर, राकेश भारी, नरेंद्रपुरी, नरेंद्र कपूर, राघव ज्योति ने विशेष रूप से उपस्थित होकर रामलीला की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य निर्देशक श्री राम जग्गी, मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, अध्यक्ष भगवंत प्रभाकर, महासचिव हितेश सियाल, कोषाध्यक्ष यशु सियाल, केवल कृष्ण चोपड़ा, ओम प्रकाश सप्पल, धर्मपाल अरोड़ा, अश्विनी हांडा, ललित शर्मा, विकी सियाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस कमेटी नु सारी नु ऑनर करना चाहते हैं, क्योंकि साढ़े को सारे चीफ गेस्ट आते हैं,
ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਰਾਮ ਭਗਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਯੋਜਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ज़्यादा उचित नहीं है, जितनी पहले तन मन धन से सेवा करें वो एक प्रमुख खुद ही सम्मान दे देते हैं, खुद ही उसका फल दे देते हैं। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ प्रबंधक कमेटी का, अपने सदस्यों का और आप सभी यहाँ उपस्थित भाई बहनों बच्चों का। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पौधा है यहाँ मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर के पूर्ण पुनरुत्थान के लिए जो ये आज हम देख रहे हैं, ये सारा एक ऐसे मेंबर द्वारा किया गया है, मतलब सभी मेंबरों का इसमें योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान, बहुमूल्य योगदान रहा है स्वर्गीय श्री सुनील ज्योति हमारे भाई थे। आज उनकी हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। हम जिस भी कार्य को करते हैं कई बार सोचते हैं कि ये कार्य कैसे होगा, उनके होते हुए हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि पैसा कहाँ से आएगा, ये काम कैसे होगा, वो हर तरह के माहिर थे, फंड कैसे मैनेज करने हैं, मंदिर का निर्माण कैसे करना है, इसको कैसे उचित ढंग से चलाना है। तो हमारी पहली कमेटी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। जो लोग पुराने बैठे हैं वो देख रहे होंगे कि ये खंडर होता था, ये खंडर हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने ईश्वर को देखा नहीं, मैंने ईश्वर को देखा नहीं, मगर पिता हो मैं हूँ सबसे खुश नसीब। मैंने ईश्वर को देखा नहीं, मगर मेरे नसीब तुम हो माता, तुम पिता हो मैं हूँ सबसे तो देखा नहीं, मगर मेरे नसीब तुम हो माता, तुम पिता हो मैं हूँ सबसे खुश नसीब। मेरे ईश्वर तो देखा कहा जो
मोगा में अनमोल क्लब की ओर से 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक मेला माइयां का करवाया जा रहा है। इसी संबंध में 23 शक्तिपीठों की पावन ज्योतियां क्लब द्वारा लाई गईं, जिसे लेकर मोगा निवासियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी भक्तजन मां की इन पावन ज्योतियों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। मैं तो पहला सारे शहर वासियों का धन्यवाद करता है जिन्होंने साडा पूरा सहयोग दिता। ये जोता महामाई दियाँ अज पंजवां साल आ साडा जिहड़े जोता लैके आने हैं। पहले साल असीं 9 महामाई दियाँ जोता लैके आए सीगे, उस तों बाद 11, उस तों बाद 13, इस साल महामाई दियाँ 21 धाम दियाँ जोता आईयां हैगियां। एक साला साहब धाम तों बाला जी महाराज दी आई है, एक भैरो बाबा जी दी आई है। ये जो जोता लियां गई सारे शहर वासियों के समाज सेवी क्लबा दियाँ ड्यूटियां लाइया गई सी, जोता लैके अलग अलग भवनों तों जोता लैके आए है। ये प्रोग्राम 15 नरातें चलूगा, 10वीं दे जोता दी वधाई कीती जाऊगी। फिरोजपुर छावनी सनातन धर्म सभा मंदिर कमेटी और लोगों के सहयोग से श्री राम बारात शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदर झांकियों के साथ साथ लुधियाना से विशेष बैंड बाजे बुलाए गए, तो वहीं लोगों ने जगह जगह स्वागती गेट सजाकर और फूलों की वर्षा कर इस भव्य शोभा यात्रा का भरपूर स्वागत किया और शहरवासियों की तरफ से जगह जगह लंगर भी लगाए गए। ये शोभा यात्रा फिरोजपुर छावनी के आज़ाद चौक, अड्डा लाल कुर्ती और बाजारों से होते हुए सनातन धर्म मंदिर में संपन्न हुई। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। नन्ना मंदिर फिरोजपुर छावनी की तरफ से 5177वीं महाराजा अग्रसेन जयंती अग्रवाल बिरादरी की तरफ से बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नन्ना मंदिर में माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हरीश गोयल ने बताया कि 5177वीं महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर नन्ना मंदिर में लोगों ने माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बड़े ही धूमधाम से इस जयंती को मनाया और शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बाजारों में लोगों ने स्वागती गेट और लंगर लगाकर एवं फूलों की वर्षा कर इस शोभा यात्रा का भरपूर स्वागत किया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। सूर्यवंशी महाराजा अग्रसेन जी की आज 5177वीं जयंती पूरे देश भर में बहुत ही उत्साह से मनाई जा रही है। अग्र समाज के इनके 18 पुत्रों के नाम से 18 गोत्र बने, जो आज भी प्रचलित है। देश भर में महाराजा अग्रसेन जी और अग्रवाल परिवारों का बोलबाला है। सरकार को सहयोग में अग्रवाल परिवार सबसे आगे बढ़कर टैक्स में जितने भी सेवा कार्य हैं अग्रवाल परिवारों की ओर से देश भर में चलाए जाते हैं, उनको आज नमन करने के लिए ये जयंती मनाई जा रही है। आज ये शोभा यात्रा पूरे फिरोजपुर में निकाली जा रही है। शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन जी जिहड़े साडे पूर्वज ने, जिहदी असी संतान है, उन्हां दे जन्म दिन दे उपलक्ष ते कढ़ी जा रही है। फिरोजपुर दे विच हर साल ये यात्रा असी करते हैं, अपने पूर्वजां नूं याद करते हैं, उन्हां नूं मान सम्मान दिंदे हैं असी, ते इस करके ये यात्रा कढ़ी आ। ये कित्थों लैके कित्थे तक जाएगी? ये यात्रा असी नन्ना मंदिर तो शुरू होके ये वापसी ते नन्ना मंदिर ही आऊगी, सारी बाजारां सुंदी हुई नन्ना मंदिर च समाप्ति हुई। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा हुशियारपुर जालंधर से 60 श्रद्धालुओं का जत्था जयकारों की गूंज के साथ श्री करतारपुर साहिब पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सचिव मक्खन सिंह की अगुवाई में ये यात्रा सुबह 7 बजे आरंभ हुई। इस मौके पर चेयरमैन परमजीत सिंह, हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, बूटा सिंह भाटिया, जत्थेदार सरदारा सिंह मक्कड़, दीदार सिंह विरदी, बाबा सतबीर सिंह, वरिंदरजीत सिंह और समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जनरल सचिव मक्खन सिंह को गुरु घर की बख्शीश सिरोपा देकर सम्मानित किया और हेड ग्रंथी भाई पवनीत सिंह ने अरदास की, जिसके पश्चात यात्रा आरंभ हुई। गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त धरती के दर्शनों के लिए संगत में भारी उत्साह देखने को मिला। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा हुशियारपुर जालंधर तो ये तीसरी यात्रा जो कि श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान जा रही है और पूरे प्रबंधक कमेटी इलाका निवासी जिन्हें यात्रु आए हैं तो सारे का सहयोग है और सामना अभी जिया कहने कमेटी वालों और आस करते हैं
कि सानू ये जिदा सहयोग हर साल करते हैं, इस साल भी सानू हुम मा के साडे नाल जा रहे हैं। महाराज कृपा करे, चढ़दी कला करे, परमात्मा सब नू तंदुरुस्ती बख्शे और यात्रा इस तरह गुरुद्वारा साहब तो चलदी रहे। बख्शिश सदका अज गुरद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर तीसरी यात्रा मेरा बाबा नानक जी करतारपुर साहब पाकिस्तान लई रवाना हो रही है। असी बेनती करते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी अगर अरदास करते हैं आप का ही होना सारी संस्था। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र। फिर गोराया और फिलौर के मध्य एक सड़क हादसे में बारिश के पानी की वजह से कार बेकाबू होकर रेलिंग तोड़कर खेतों में पलटी, दो व्यक्ति हुए घायल। जालंधर के गांव गन्ना में देर रात चली तेज आंधी के कारण चल रहे जागरण में माता रानी का भवन गिरा, 7 लोग हुए घायल। जालंधर में ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने की बसों की चेकिंग, कानूनों की उल्लंघना करने वालों के किए चालान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।